पी रहा है भाई। स्कूल चले हम एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 5 AM मॉर्निंग रूटीन विद बेबी एंड स्कूल गोइंग किड। अभी आपने घड़ी में देखा ये कि 5:10 हुए हैं सुबह के, और अपनी अराउंड 4 AM के करीब उठी थी। उसके बाद उसकी नैपी चेंज करी, उसको फीड कराया, फिर वो थोड़ा बहुत देर खेलती है एंड देन फिर से वो सो जाती है। तो अराउंड 5:30 के करीब उसका दोबारा से गहरी नींद वाला टाइम शुरू हो जाता है और वो 1-1.5 घंटा आराम से नैप लेती है। कई बार मन करता है कि उसको सुलाने के बाद मैं आधा घंटा और लेट जाऊं, बट यू नो ये जो आधा घंटा होता है ये मेरा टाइम होता है, क्योंकि 6 बजे से तो फिर वही स्कूल की भाग दौड़ ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये जो आधा घंटा होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो बस हिम्मत करके मैं फिर से बिस्तर में नहीं जाती हूँ और स्ट्रेट अवे उठ के अपने कामों में अपना मी टाइम इन्जॉय करने के लिए चली जाती हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, या एक रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ कि अवनी को मैं ब्लैंकेट नहीं पहनाती हूँ, मैं उसको स्लीपिंग बैग में ही सुलाती हूँ। तो यू नो बच्चे पैर बहुत ज़्यादा चलाते हैं एंड यू नेवर नो कि आपने ब्लैंकेट ऊपर डाला हुआ है, बच्चे एकदम से पैर उठाएँ तो कोई कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है कि ब्लैंकेट एकदम से उनके मुँह के ऊपर चला जाए। और ऐसा लाइक बहुत स्केरी है ये इवन दो शेयर करना भी, बट स्टिल आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। बहुत सारी न्यू मॉम्स हैं तो आप स्लीपिंग बैग यूज़ करें, ब्लैंकेट यूज़ ना करें। यू नेवर नो रात को आप गहरी नींद में हैं और बच्चा एकदम से ब्लैंकेट अपने मुंह के ऊपर ले जाए तो बहुत डर लगता है। सो जस्ट बाय स्लीपिंग बैग। मैंने उसको जो है वो ब्लैंकेट कभी नहीं दिया है, उसको स्वॉडल करती थी और उसके बाद स्लीपिंग बैग में मैं उसको सुलाती थी। वेल अवनी सो गई है और मैं स्ट्रेट अवे आ गई हूँ वॉशरूम में और अभी फ्रेशन अप, मॉर्निंग रूटीन और अपना थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी। स्किन केयर मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, अपना मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी। यू नो सबका ध्यान रखते रखते कई बार ना हम अपने आप को बिल्कुल सेकेंडरी कर देते हैं, लेकिन अगर हम 5 मिनट भी अपने आप को दें उससे ही आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करते हैं। सो आई ट्राई टू डू दैट, इवन दो अवनी से पहले और ज़्यादा टाइम दे पाती थी, अब ये है कि बेबी है तो कई बार रूटीन जो हम फॉलो करना चाहते हैं बेबी उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। सो हो जाता है कई बार, बट स्टिल आई ट्राई टू कि हाँ मैं एटलीस्ट अपना स्किन केयर तो करूँ ही। वेल तो यहाँ पे फ्रेशन अप होने के बाद अब मैं अच्छे से अपना फेस वॉश कर लूँगी। जो भी फेस वॉश आपकी स्किन को सूट करता हो आप वो यूज़ करें। रात को यू नो क्रीम वगैरह लगाकर सोते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऑयल आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है, तो सुबह उठ के एक बार अगर फेस वॉश से अच्छे से अपना चेहरा धो लेते हैं तो जो भी इम्प्योरिटी या फिर ऑयल कलेक्ट होता है वो निकल जाता है और आपकी स्किन जो है वो अच्छे से फ्रेश हो जाती है, ब्रीदेबल हो जाती है। तो रात को भी आप अच्छे से, आप अगर कोई सोप यूज़ करते हैं या फेस वॉश यूज़ करते हैं तो रात को भी और सुबह को भी हमेशा आप अच्छे से अपना चेहरा धुलें और उसको मॉइस्चराइज करें। एंड यू नो कोई भी होम रेमेडी वगैरह आप ना भी लगाएं ना, सिर्फ यही एक रूटीन फॉलो करें, स्टिल यू विल सी कि आपके स्किन में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा अगर आप फेस कर रहे हैं कुछ स्किन इश्यूज़। चेहरा धोने के बाद मैंने अच्छे से अपनी स्किन को पैट ड्राई कर लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे सीरम अप्लाई कर रही हूँ, ये ऑरेंज वाला है। पहले तो मैं घर पे ही बना लेती थी बट अगेन कि बेबी के साथ अब बहुत सारी DIY होम रेमेडीज़ करने का टाइम नहीं मिलता है, तो स्टोर बॉट है ये, मैंने सेवर से लिया था एंड इट इज़ रियली गुड। और ये समर्स के लिए भी इवन बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। और सीरम लगाने के बाद आपको बहुत हल्के हाथों से अपनी स्किन के ऊपर मसाज करनी होती है,
और सिर्फ सीरम ही अभी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी जो है वो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है तो फेशियल ऑयल लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही बस मैंने यहाँ पे लिप बाम लगा लिया है एंड आई एम ऑल सेट, बस इतना सा ही। ये 3 स्टेप वाला मेरा मॉर्निंग स्किन केयर होता है, बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है और इसी से बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे ब्रश वगैरह करने के बाद यू नो पानी के छींटे लग जाते हैं इधर उधर बेसिन के ऊपर, एंड आई रियली डोंट लाइक इधर उधर छींटे पड़े हुए। तो मैंने एक यहाँ पे छोटा सा कपड़ा क्या हस्बैंड की पुरानी वेस्ट है, बनियान जो होती है, इससे बहुत अच्छा ये क्लीनिंग का काम करता है। तो ये सिर्फ वॉश बेसिन और ऊपर का जो ये काउंटर टॉप है इसको क्लीन करने के लिए मैं रखती हूँ, बेसिन के अंदर की तरफ इससे क्लीन नहीं करती हूँ, बट जो ऊपर का सरफेस होता है तो वो सारी जितनी भी आए हुए थे उसके ऊपर पानी के छींटे वो मैंने क्लीन करके और उस कपड़े को मैं नीचे की तरफ रेडिएटर पर डाल देती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पानी नीचे गिरा है फ्लोर पे तो एक मैंने छोटा सा मैनुअल मॉप यहाँ पे रखा हुआ है तो उससे मैं साथ के साथ उसको क्लीन कर देती हूँ। और ये स्टेप्स मेरी बेटी को भी पता है, हस्बैंड को भी पता है, दे ऑल्सो फॉलो इट। तो हो गया है मेरा स्किन केयर और अब मैं सीधे जाऊँगी अपने मेडिटेशन रूम में, स्टेयर रूम। ये ईवी का एक्चुअली चेंजिंग एरिया भी है यहाँ पे, तो दिस इज मल्टीपर्पज रूम और ये ट्विन रूम है एक्चुअली, एटिक के साथ ये अटैच्ड है। और सुबह सुबह सूर्य देवता को निकलते हुए देखना, उनको प्रणाम करना, उनको थैंक यू बोलना कि हम फिर से जागे हैं, एक और नई सुबह देख पाए हैं, अपनों के साथ हैं, इट इज़ सच ए ह्यूज ब्लेसिंग। रात को सो जाते हैं, नहीं पता होता है कुछ भी, और सुबह मिलती है हमें और सब कुछ पहले जैसा होता है। सो यू नो इट इज़ अ ब्लेसिंग, बस एक ये थॉट है, सोचने वाली बात है, इट इज़ सच अ बिग थिंग। और बस अब मैं थोड़ी देर बैठ के अपना मेडिटेशन और कुछ एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो शुरू करूँगी, बट शुरुआत होती है मेरी सूर्य नमस्कार और मेरे मेडिटेशन से, एंड दिस इज़ मच नीडेड। और मैं ये बोलूँ कि मैं एडिक्ट हो चुकी हूँ इस चीज़ की, अगर मैं सुबह को मेडिटेशन ना करूँ, इवन ये कि सिर्फ 10 मिनट ही कर लूँ, आई एम ऑल सॉर्टेड, आई लव इट। तो अब यहाँ पे मेरा मेडिटेशन हो गया पूरा और अब घर के जितने भी ब्लाइंड्स हैं, कर्टेंस हैं, वो सब के सब अब मैं हटाऊंगी ताकि घर के अंदर एक नेचुरल लाइट आए। और बहुत अच्छा लगता है जिस दिन सनी डे होता है, रेयरली यहाँ पे इन दिनों पे ऐसा होता है, इवन दो अप्रैल जो है वो काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है, बट इस बार तो हद ही हो गई, इवन दो अप्रैल में यहाँ पे स्नो पड़ी है जो कभी नहीं होती थी, बट जिस दिन धूप निकलती है तो दिन बहुत खिला खिला लगता है। एंड आई एम जस्ट वेटिंग के इंडिया जाएं तो वहाँ तो डेली ही धूप देखने को मिलेगी, इवन तो टेम्परेचर काफ़ी हाई जा रहा है, बट आई एम सो एक्साइटेड। हमेशा ठंड ठंड में रहते हैं तो थोड़ा सा गर्मी का भी मज़ा लेना ही लेना है। और सिर्फ ससुराल में ही लगता है कि हाँ वहाँ पे खुला घर है तो धूप एकदम से आती है, मेरे मायके में या इधर उधर जहाँ भी हम रिलेटिव्स के यहाँ मिलने जाएंगे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो घर हैं वो सबके शहरों में है, एसी है, कूलर है, सो विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। वेल, चलिए मैंने जितने भी ब्लाइंड्स थे साथ साथ आपको इंडिया की थोड़ी सी मैंने अपडेट दे दी है और इसके बाद बस अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे बनाने वाली हूँ अद्वी के लंच बॉक्स के लिए उसकी लंच बॉक्स रेसिपी, और वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। एक चीज़ जो मैंने आपको मिस कर दी बतानी वो ये कि मेडिटेशन से पहले मैं अपनी थायराइड की दवाई ले लेती हूँ, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। मैं पानी जो है वो सिराने ही रख के सोती हूँ और सुबह उठ के फिर मैं अपना ले लेती हूँ वो दवाई, और भगवान जी के जो दरवाजे हैं वो भी मैं ओपन कर देती हूँ, उनको आराम से जो है वो रात को सोने देते हैं, सुबह उठ के फिर लाइट ऑन करती हूँ और दरवाज़ा खोल देती हूँ उनका। और मंदिर के जो दरवाजे हैं एक्चुअली हम लोग अभी चेंज भी करने वाले हैं, सो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया जाने से पहले हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट विल ट्राई, आपको अपडेट तो मैं देती ही रहूँगी। तो चलिए अब मूव करते हैं हम रेसिपी की तरफ, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी जो है वो गुनगुना करके ग्लास में भर के साथ में रख लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पीती रहती हूँ। और सुबह उठते ही आई थिंक आधा लीटर पानी तो मैं ले लेती हूँ जिस टाइम पर मैं अपनी दवाई पीती हूँ, लाइक खाती हूँ लेती हूँ, तो उस टाइम पे इतना पानी हो जाता है। तो यू नो मॉर्निंग में ही लगभग 10 बजे तक अराउंड मेरा 1 लीटर वाटर का कंजप्शन हो जाता है, एंड इट इज़ रियली गुड। भूख कम लगती है और ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है।
तो चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं हम बहुत ही टेस्टी सी मिक्स वेज इडली, नॉट मिक्स वेज, गाजर वाली इडली बोल दो क्योंकि गाजर ही अवेलेबल थी उस दिन घर पे, अदरवाइज मैं ज़ुकीनी भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेमोलिना ली है सूजी, और ये ना थोड़ी सी कोर्स वाली है, फाइन नहीं है, और एक ये मीडियम साइज़ की कैरेट है, इसको मैंने पील करके वॉश कर लिया था और इसको मैं डायरेक्टली बोल के अंदर ही ग्रेट कर लूँगी। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। सूजी मैंने ऐसे ही अंदाजे से ही ली है 5-6 टेबलस्पून, तो वही अंदाजे से ही आप ले लें, कोई नपे तुले पैमाने नहीं है कि इतना ही आपको लेना है। दही भी मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब ही डाली है, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सांभर पाउडर डाला है। इससे इडली के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आप नहीं ऐड करते हैं तो ट्राई ज़रूर करना एक बार। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर मैं देखूंगी कि इसमें कितने पानी की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार जो होता है वो सब्जी भी अपना पानी रिलीज़ करती है नमक के साथ, लेकिन सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैं इसको थोड़ा सा लूज़ यहाँ पे रखूंगी, क्योंकि दही की कंसिस्टेंसी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी पतली है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से मैंने इसका ये थोड़ा सा थिक सा बैटर रेडी करा है, और इसको बस अब मैं थोड़ी देर के लिए ही छोड़ दूंगी, लाइक 10-15 मिनट के लिए, कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए और वो बिल्कुल और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। मीनवाइल जो है वो मैंने चाय भी चढ़ा दी है, दूध डाल दिया, तो वो अच्छे से उबल जाएगी और इस टाइम तक साहब उठ जाते हैं। कई बार इस टाइम तक ईवी भी उठ जाती है, तो फिर वो उसको लेकर नीचे आ जाते हैं। तो मैं अपना किचन में लगी रहती हूँ इनकेस बच्चों को उठाना इस टाइम पे, और ईवी उठ जाती है तो उसको नीचे लेके आना, सो ही टेक्स केयर ऑफ दोज थिंग्स। ऑब्वियसली मैं चारों तरफ तो नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि अदवी का लंच बॉक्स भी टाइमली रेडी होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे जो इडली मोल्ड है बहुत ही छोटे वाला है, और ये मैंने सरोजनी नगर से लिया था जब मैंने दिल्ली जॉब करनी शुरू करी थी, और तब से ही अब तक मेरे साथ है। तो उसको मैंने ग्रीस किया। इसके बाद मैंने ये इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है, और ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो हमने इडली का बैटर बनाया था। और पूरा सेशन नहीं डाल रही हूँ मैं, आधे से भी थोड़ा कम डाल रही हूँ। अगर इनो फ्रूट सॉल्ट आपके पास ना हो तो आप थोड़ा सा जो खाने वाला सोडा होता है आप वो ऐड करें, और उसके ऊपर थोड़ा सा लाइम जो होता है या फिर लेमन जूस, नींबू का रस, वो थोड़ा सा डालें, उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप बैटर के अंदर मिक्स करें तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी गाजर वाली इडली मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद जो इडली मोल्ड है मैं उसके अंदर इसको डाल दूंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपके पास इडली मोल्ड नहीं है तो आप कैसे बनाएं। तो आप छोटी छोटी कटोरियों को ग्रीस करके उसके अंदर बैटर डाल के इडली की तरह बना सकते हैं, उसी तरीके से स्टीम कर लें, तो यू नो तरीके तो बहुत मिल जाते हैं। या फिर अगर वो भी नहीं करना चाहते कि बहुत सारी कटोरियाँ गंदी हो जाएंगी, तो आप इसका चीला टाइप भी बना सकते हैं, या फिर आप इसका उत्पम टाइप भी बना सकते हैं, अप्पम पैन है तो आप उसमें बना सकते हैं। सो हाउ एवर यू वॉन्ट, ये बस एक आइडिया है, इसके बाद आप जैसे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन दो सैंडविच मेकर जो होता है, आप उसमें इस बैटर को डाल के सैंडविच शेप में भी इसको बेक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट वो भी बहुत अच्छा बनता है, तो आप जैसे चाहें वैसे ट्राई करें। और बस प्रेशर कुकर के अंदर पानी मैंने पहले से बॉयल कर ही लिया था, और उसके बाद मैंने इडली का मोल्ड रखा है, लिड लगा दी है, और विसल मैंने निकाल दी है क्योंकि प्रेशर रिलीज होते रहना चाहिए, और सिम पे मैं इसको पकाऊंगी। और यहाँ पे मैं इसका टाइमर जो है वो सेट कर रही थी, बट ईवी जो है वो मेरी गोद में आ चुकी थी, तो उठ गई थी वो, और सुबह को थोड़ा सा होता है ना कि हाँ आप 5-10 मिनट मम्मा ले ले, तो मैंने उसको बस थोड़ी देर के लिए लिया। अदवी भी आ गई थी, और अदवी का यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है। इडली बन चुकी हैं, आपने देखा होगा यही साइड में प्रेशर कुकर से थोड़ी सी एक इडली झांक रही है, तो वो डन हो चुकी है और मैंने लिड हटा दी है, तो जब वो ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं उसको निकाल लूँगी। तो हो ही गई है ठंडी, क्योंकि गरम गरम अगर आप मोल्ड एकदम से निकालते हैं ना तो वह हाथों में बहुत स्टीम लगती है। तो अभी मैं उसको ऐसे ही रखा रहने दूंगी, और मीनवाइल हम यहाँ पे अपनी चाय इंजॉय करेंगे, अदवी अपना ब्रेकफास्ट लेगी, एंड आई
लव दिस टाइम, तब हम सारे के सारे साथ बैठकर खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं। तो यू नो, जल्दी उठने का ये भी एक फ़ायदा है कि किसी भी चीज़ की हबड़ तबड़ नहीं मचती है कि जल्दी जल्दी ये कर लो, अरे आप रेडी नहीं हुए, अरे ये नहीं हुआ। तो बिकॉज आई हैव फेस्ड दोज थिंग एक्चुअली एंड आई वॉज नॉट एट ऑल मॉर्निंग पर्सन, बट यू नो नाउ आई रियलाइज के मॉर्निंग पर्सन होने से कितने फ़ायदे होते हैं। और कहते हैं ना, एक हैबिट डेवलप होने में 21 डेज लगते हैं, बट आई वुड से के 10 डेज भी मोर देन इनफ। अगर आप 10 दिन भी कोई काम लगातार करें तो वो आपकी हैबिट बन ही जाती है। और वाकई में सुबह उठना इज़ रियली गुड, सारी चीज़ें जो हैं वो टाइमली मैनेज हो जाती हैं और आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, फैमिली के साथ भी टाइम मिल जाता है और आई थिंक सारी चीज़ें जो है ना वो आराम से हो जाती हैं, जल्दबाजी नहीं होती है। तो अभी ईवी के हम काफ़ी सारे एक्चुअली टीथिंग टॉयज लेकर आए हैं, बट अभी उसकी ग्रिप इतनी ज़्यादा टाइट, लाइक ग्रिप तो उसकी टाइट है लेकिन उसको अभी वो चीज़ समझ नहीं आती कि हाथ से पकड़ के उसको वो मुंह तक लेकर जाए। कुछ एक चीज़ों का है, लाइक मेरी वो नेक चेन उसको पसंद आती है तो वो एकदम से उठाती है, बट जैसे उसके हम टीथिंग टॉयज लेकर आए हैं तो अभी उसको वो नहीं पता, वो होल्ड कर लेती है, उसको देखती रहती है बट उसको वो मुँह तक नहीं लेकर जाती है टॉयज छोड़ के, और वो अपनी उंगलियाँ जो है वो के अंदर डालती है या फिर हमारा हाथ पकड़ के मुंह में डालती है। बट धीरे धीरे वो रियलाइज करेगी कि हाँ ये टीथिंग टॉय, सो दिस इज लर्निंग स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज के बच्चे धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं। आज की जो वीडियो है इट इज टू मच काइंड ऑफ चिट चैट वीडियो, और मैं बहुत सारे अपने थॉट्स, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड आई जस्ट होप कि आपको ये कॉम प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन पसंद आएगा, सिंपल सी रेसिपी जो है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। और यहाँ पे हम सब यही मजाक बना रहे थे कि ईवी को देखो कैसे बैठे है, बिल्कुल चौधराइन की तरह यहाँ पे, तो शी लव्स हर बाउंसर एक्चुअली। इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, आप इसमें लिटा सकते हो, बिठा सकते हो, शी लव्स दिस वन एंड आई एम श्योर शी गोना मिस दिस वन इन इंडिया टू, बट वहाँ पे जाके कुछ और लेंगे। तो आजकल तो हम उसको बस ये टॉयज का ही सिखा रहे हैं किसी तरह से कि वो सीखे, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा उसके गम्स जो हैं वो टाइट हो रहे हैं और उसको इरिटेशन होती है। इवन तो थोड़ी बहुत होम्योपैथी की एक मेडिसिन है वो हम लेकर आए हैं बट उसको भी अभी वो अच्छे से नहीं ले रही है, तो धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी। और देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी सी मिनी इडलीस बन के तैयार हो गई हैं, अदवी को मैं इसी तरह से दे देती हूँ। और हम लोग जो है कई बार इसमें तड़का लगा के, लाइक थोड़ा सा राई, करी पत्ता, हरी मिर्ची का तड़का लगा के खाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट अदवी को ये ऐसे ही पसंद आता है। तो लंच बॉक्स में मैं उसको 2 क्रैकर दे रही हूँ यहाँ पे, और सैलड में मैं उसको दे रही हूँ कुकम्बर स्टिक्स, तो कभी कुकम्बर दे देती हूँ उसको, कभी कैरेट दे देती हूँ, और फ्रूट जो है वो मैं उसको अलग से देती हूँ। पहले मैं उसको कट करके बनाना या एप्पल देती थी तो वो बिल्कुल ही छोटी थी क्योंकि पूरा खा नहीं पाती थी, बट अब मैं उसको पूरा दे देती हूँ। कई बार होता है कि हाँ वो फिनिश करके आ जाती है, कई बार वो एज इट इज ले आती है, बट यू नो बींग ए मम यू फील लाइक ये भी दे दो वो भी दे दो, पता नहीं बच्चा किस दिन क्या खा के आ जाए और आपका लक अच्छा हो कि बच्चे ने पूरा फिनिश कर दिया। तो यस, यहाँ पे बस मैं उसकी योगर्ट ड्रिंक रखने वाली हूँ, और इस तरह से मैंने अदवी का लंच बॉक्स पैक कर दिया, उसकी वाटर बॉटल रख दी है और बनाना मैंने दिया था उसको फ्रूट ब्रेक के लिए। और इसके बाद बस अदवी जो है वो रेडी हो गई, अपने आप रेडी हो जाती है, बस मुझे उसके बाल करने होते हैं। और शी वॉज लाइक कि मैं आज कार्डिगन नहीं पहनूंगी, बट यहाँ वेदर का कुछ पता नहीं लगता है, यू नो जैकेट तो पहन के जानी ही होती है, बट कई बार होता है कि अंदर टेम्परेचर इधर उधर थोड़ा हो जाता है और कई बार बच्चे ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, सो टू बी वेरी केयरफुल। तो
तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा समझा कि नहीं बेटा कार्डिगन पहन लो, चाहो तो जब बाहर जाओगे तो जैकेट मत पहनना, घर सही है बट एटलीस्ट कार्डिगन पहनोगे तो हाथों को हवा नहीं लगेगी। तो बड़ा समझाना पड़ता है। तो अदवी हो गई है यहाँ पे रेडी और अदवी के पापा जाएंगे अदवी को छोड़ने के लिए स्कूल और बैग वैग टांग के स्कूल चले हम। शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह। और ईवी जो है उसको भी आजकल पता लगने लगा है कि अब इस टाइम पे दीदी चली जाती हैं और थोड़ी देर के लिए वो मिस करती है। और अदवी का भी ये रूटीन है कि हाँ हजार किस्सी करेगी वो जाने से पहले और उसका बिल्कुल मन नहीं करता छोड़ने का, बिल्कुल दरवाजे तक साथ लेके आती है ना, बस लाइक बेटा उसको हवा लग जाएगी। बट येस, तो इसी तरह से है मेरा 5 AM रूटीन 5 बजे से लेके और 8:30 तक का जब तक अदवी जाती है। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।